सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे सिंपल. अब अभी जब हम टुडेज लाइफ, जब हम अब मतलब जो आजकल में है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं और वी आर सेटिस्फाइड कि हमारे पास अल्लाह ताला की हर नेमत है, वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास सारी ब्लेसिंग्स है. लेकिन जब मैं आपका लेक्चर सुन रही थी तो यू सेड के वीडियोस और फिर मूवीज एंड देन पिक्चर्स और फिर छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते जा रहे हैं डेली लाइफ में, कि मतलब मैटर करती हैं और ये चीज़ें हैं, मतलब कि नहीं करनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे, और एक साइड पर हम ब्लेस्ड भी हैं. तो क्या जब हम इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे, व्हाट शुड बी आर एक्सपेक्टेशंस, कि क्या हमारे फेथ का, हमारे ईमान का लेवल क्या होगा उस टाइम, या वी शुड बी एक्सपेक्टिंग के प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, क्योंकि आपने बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो चीज़ें बर्दाश्त की, सहाबा ने भी वो चीज़ें बर्दाश्त की. तो क्या हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इसके साथ? और मेरा एक सेकंड क्वेश्चन भी है कि मैं तफहीमुल कुरान जो है वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं उसको ऐसे रीड करना शुरू करूं कि लेट इट अब्जॉर्ब इन मी, कि मैं उसको पढ़ती जाऊं पढ़ती जाऊं, ये नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मतलब बैठ जाऊं उसको रिसर्च करना शुरू करूं कि ये क्या है और ये कैसे है और ये क्यों है, कि मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि एक दफा पढ़ लूं और फिर सेकेंड टाइम आई विल डू द रिसर्च वर्क. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन। तफहीमुल कुरान आप एक दफा तो पूरा करेंगी, क्योंकि आप रिसर्च जो है ना वो मौदूदी साहब ने कर छोड़ी है। जो एक टॉपिक आपके जेन में आएगा ना, उसका आंसर लेक्चर्स में आगे आ जाएगा, मगर सारा कुछ तो नहीं उन्होंने बताया हुआ ना। सो जब आप दूसरे रन में आएंगी, दूसरे रन में आपने एक टॉपिक वाइज जो है ना उसकी एक्सप्लोरेशन अलग अलग तफसीर में खोलनी। मौदूदी साहब इज नॉट दी ओनली, तफहीम इज नॉट दी ओनली तफसीर। किताब पूरी की पूरी पढ़ेंगी तो किताब की किसी एक चैप्टर की सेंस आपको समझ आएगी, किताब का कोई एक चैप्टर पढ़ेंगी तो किताब के किसी चैप्टर की सेंस नहीं समझ आएगी। तफहीम इज नॉट अल्लाह ताला की किताब, तफहीम इज मौदूदी साहब की किताब, कुरान इज अल्लाह ताला की किताब। ओके, सो पूरी किताब तफहीमुल कुरान आपने पहले एक दफा पढ़नी है और आराम से पढ़नी है, मतलब उसको जल्दी खत्म करने की जल्दी में मत रहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, तो उनमें से ज्यादा ज्यादा चीजें जो है ना वो अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है हमारे पास, जो घरों में पड़ी हुई है वो अल्लाह की नेमत नहीं है, वो हमने मोहलतें इकट्ठी की हुई है। जब नबी अलैहिस्सलाम पे जब जिब्राइल अमीन ने आके बताया ना कि हियर यू गो दिस इज द मिशन, आप सोचें फिर अगर वो अपने घर वालों तक रहते कि मेरे पास इतनी नेमतें हैं तो हमारा क्या होता। सहाबा इकराम तक ये बात आई थी तो सहाबा इकराम अपने घर तक ही रखते तो फिर हमारा क्या होता। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने आगे का सोचना है। 100-200 साल के बाद ना कुछ लोग इकट्ठे होंगे खुदा की कसम, और या तो वो शुक्र अदा करेंगे कि सबाहा और साहिल जो थे वो इस तरह की बातें करते हुए कुछ मतलब निकाल बैठे, जो आपके पढ़ पोते होंगे या मेरे पढ़ पोते होंगे, या फिर हम पे नाला हो रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं होता हूं कि ये पिछले सैलाब क्यों नहीं रोका गया जो पानी मेरे तक आया, जो पिछली नस्लों ने ये सैलाब क्यों नहीं रोका। नाम लेते थे ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान के लिए और हर वो काम किया जो अमेरिका में भी नहीं अभी हो रहा, पाकिस्तानी ने शुरू कर दिया। सो मैं खाली अपनी पाकिस्तानी नस्लों की बात कर रहा हूँ, तो 500 साल तक सबके सब जिम्मेदार हैं इसके। सो वी नीड टू डू समथिंग। नबी अलैहिस्सलाम उम्मती क्यों कर रहे थे? उम्मती इसको कह रहे थे क़यामत से अब पैदा होने वाला बच्चा जो आखिरी दिन पैदा होगा उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो रहे हैं और हम अपने बच्चों की फिक्र में वैसे बैठ गए हैं। दिस इज नॉट गोना वर्क, सॉरी। आप और मैं जिस सेशन में पाए गए हैं ना, ये जो सेशन हो रहा है ये अवाम नहीं है आप और मैं, हमसे अलग सवाल होने हैं सुबह, वरना इस वक्त आप ही के साथ किसी एक घर में जो मुंसलिक घर है उनमें से एक हमसाई आपकी इस वक्त शाहरुख खान की फिल्म देख रही है बैठ, और वो समझ रही है कि अल्लाह की नेमत है कि इंटरनेट चल रहा है तो मैं फिल्म देख रही हूं। ठीक है, सो आपसे कोई और सवाल होना है क्योंकि आपको ये शोर मिल चुका हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं, तो आप क्या समझ रही हैं कि वो बच जाएंगे कि वो जाहिल थे? नहीं, उनसे दो सवाल होंगे मगर आपसे कड़ा सवाल होगा कि तुझे तो हक पहुंचा दिया था, यू आर अ थिंकर, आपके अंदर से आवाजें ना होती तो आप लॉग इन ना करती जूम में, और 2 घंटे बाद आपने सवाल की बारी आई आपकी, आप वेट कर रही हैं, आपके अंदर ताकत पूरी है, चिराग जला हुआ है पूरा। आप सवाल तो होगा कि लाइट तो आपके पास थी, नीचे सामने रास्ता भी नजर आ रहा था, तो कदम क्यों नहीं बढ़ाया आप? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबाहा एंड एनी अदर वुमन। आपका सवालों की लिस्ट ही और है, क्यों जिम्मा और था कि बनी इसराइल से अल्लाह ताला पैदर पै कुरान पाक में बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया, अल्लाह की सारी निशानियां दिखा रहा है, अल्लाह अपना जलवा दिखा रहा है इनको, तो तुम्हें सरदारी दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें सब हक का यहां कर दिया, अपना कुछ
अब क्या यू ना ले लेना, मजहब ना बना लेना अपने इस दीन को, पूजा पाठ के लिए नहीं बता रहा हूं तुम्हें। दिस इज नॉट अबाउट यू एंड योर फैमिली, दिस इज अबाउट द प्लेनेट नाउ। अल्लाह अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो हमें भी वही सवाल अल्लाह ने कहा कि उनको मैंने मौजे दिखाए थे, अब तुम्हें मौजे नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम वो काम करते हो कि जो कि मारूफ है, अल्लाह ताला की तरफ से आया है, और उस काम से रोकते हो कि जो कि मारूफ नहीं, वो ये मुनकर है। बेहतरीन उम्मत क्यों है हम? वरना अल्लाह ताला ने वो जिम्मा बनी इसराइल को दिया, उन्होंने भी घर का मामला बना लिया। आप और मैं घर का मामला नहीं बना सकते। आई अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग दिस न्यूज टू एवरीवन, बट अ मुस्लिम कैन नॉट बी अ मुस्लिम इफ इज जस्ट अबाउट हिज फैमिली। तो क्रिश्चियंस तक को रियलाइज हो गया था, क्रिश्चियंस को भी रियलाइज हो गया था कि नहीं यार, दुनिया पूरी का काम करना है। इंसान और जानवरों में फर्क यह है कि मैं आप पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कोई ना कोई काम करूंगा, किसी भी लेवल पे करूंगा, मगर करूंगा सबकी। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने एक सेशन में यूनिवर्सिटी में बोला तो आग लग गई थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, लिटरली हमला हुआ मेरे ऊपर, कि इसको मैं खानदान परस्ती कहता हूँ। खानदान परस्ती में लग गए हम, पाकिस्तानी मुसलमान या इंडियन मुसलमान या दुनिया का मुसलमान, बेस्ट केस सिनेरियो बस अपने खानदान के लिए वफादार है वो, बस दुनिया में और किसी के लिए वफादार नहीं है वो। तो अपने आप को मुसलमान तो नहीं कहेंगे ना हम, फिर ठीक है, एक नया मजहब है, खानदानी मजहब है, बस खानदान के लिए मैं वो करूंगा, तमाम सुन्नतें पूरी करूंगा जो खानदान तक इतलाक होता है, तमाम आयात पूरी करूंगा जो खानदान तक इतलाक होता है। जैसे ही खानदान से बाहर जाए कि सॉरी मेरे से ना कुछ पूछो, अंदर से चीख आती है कि नहीं ये गलत बात है। हर दूसरा खानदान आपको कहेगा कि तू सेल्फिश आदमी है, क्योंकि तू सिर्फ अपने खानदान का सोच रहा है। हमने किसी भी लेवल के ऊपर उस आवाज को नहीं डिम होने देना कि नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट 5-6 पीपल मैन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिनिएज, इट्स अबाउट एवरीबॉडी इन श्रीलंका, ब्राजील, चाइना, रशिया, एवरी ह्यूमन बीइंग ओज, आई ओ इट टू एवरीबॉडी, कि कुछ तो किया ना साहिल अदीम, दुनिया में आए थे, क्या किया जो लोगों को फायदा पहुंचाया। बट आई कैन एनविजन द मैप, आखिर में दीवार सोचे, बहुत बड़ी दीवार है और उसके ऊपर हायरार्की बनी हुई है कि किसने कितने लोगों का फायदा पहुंचाया, सबसे ऊपर किसका नाम है नबी अलैहिस्सलाम, उसके बाद किसका नाम है, हमारे नाम जमीनों पे क्यों लिखे हुए उधर, कि नहीं नहीं बस अपने बेटे अपनी बेटी, वहां पे क्यों नहीं है नाम? और आप समझ रहे कि जो उसका नाम उस दीवार पे नहीं है उसको कोई फायदा नहीं। अपने नीचे ट्री क्रिएट करें, किसका ट्री, जिन लोगों से जो आपको जिससे आप जो आपसे मुस्तफीद हुए, किधर मुस्तफीद हुए, कब्र में मुस्तफीद हुए और आखिरत के मैदान में मुस्तफीद हुए, दुनिया में और किसी किस्म का इस्तफादा ही नुकसान है, वो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो देर आर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हु आर स्कॉलर्स हु आर डिस्ट्रैक्टिंग, जो आखिरत का फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया का पुछवा रहे। सो वो दुनिया, क्योंकि लोग समझते हैं दाढ़ी वाला बंदा है तो ठीक है जो बात कह रहा है, या अल्लाह की आयत सुना देता है, हदीस सुना देता है, एंड में पैसे बनाना सिखा रहा है, बस ये नाम बनाना सिखा रहा है। I'm not saying कि किसी को हुनर ना सिखाएं, जरूर हुनर सिखाएं, मगर मकसद के बगैर आपने काम सिखा दिया तो आपने फिर काम ही सिखाया, दुनिया ही बनाई उसकी। जानना नहीं है, मानना है कि मेरे मरने से पहले पहले एटलीस्ट 10-20-50,000 बनने की गारंटी है, जो कि क्या पता बाद में पैदा होने के वो ये मैंने ऐसा कोई काम जरूर करना है कि अल्लाह रसूल के करीब करके मैं भी एक टॉर्च थी जो रोशन हुई थी दुनिया में, एक ऐसा बल्ब था जो काफी देर जलता था, कितनी देर जलता था क्या पता, 600 साल चले, तबाह का नाम 600 साल तक फायदा पहुंचाई, कैसे, कोई ना कोई तो आपने इंतजाम करके रखना है, कोई किताब लिखें बैठ के, फिल्में बनाने से तो नहीं होगा या फिल्में देखने से। सुमेरियंस को ना, सुमेरियंस को, मायंस को ये बात समझ आ गई थी कि ये इल्म आगे पहुंचाना है, और पत्थरों के ऊपर लिख गए और सेव कर गए कि बाद में किसी नस्ल काम आ जाएगा। सुमेरियंस को 16,000 साल पहले जो कुछ था गलत था सही था, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर था कि लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। हम लेकिन नहीं, बस मैक्सिमम थ्रूपुट मेरे पोते, बस मैक्सिमम थ्रूपुट, वो भी नहीं है, हम सबको पता है पोते के लिए कौन सिंसियर है, मैक्सिमम अपने बच्चे बस। सो लेट्स वेक अप एवरीबॉडी, हाउ, बाय वेकिंग ourselves अप एंड बिकमिंग दैट टॉर्च। एंड मैं बता रहा हूँ, एक टॉर्च से दूसरी टॉर्च खुद ही जल जाती है, ये हमारी अंदर केमिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। I hope on this note we actually should call it a day or night.